वालेकुम सलाम। चोपले पे क्या चर्चा चल रहा है? क्या चल रहा है? प्रधानी का चर्चा हो रहा है। अरे बहरे क्या हाल है रे पाँव के गाँव में प्रधानी मेरे अभी चल कर प्रधान के दौर चल कर पूछेंगे। चलो 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 वही पूछेंगे। चलो चलो भाई प्रधान जी के दौरे को चल ले। हाँ चलो बहरे क्या हाल है तेरे? मैं बीडीसी के बड़े हाल अपने मैं नाम करूंगा बनके प्रधान ऐसा काम करूंगा। हाँ वो होगी मेरे दरोगा से बात हुई थी आपके काम की वो काम हो जाएगा ठीक है ना। हाँ चलो सलाम वालेकुम। ठीक ठीक चलो ठीक मैं बाद में बात करता हूँ कुछ आदमी बैठे मेरे पास। हाँ अभी बताओ कैसे आए हो कैसे मशवरा आया आपका? प्रधान जी कैसे क्या आए हैं चोपले पे जिक्र सुना हमने। नो हो रही ओबीसी में टिकट आएगा ओबीसी में टिकट आएगा हम क्या करेंगे जो ओबीसी में टिकट आएगा प्रधान जी कहीं चाहे लाख चले जाए दस लाख चले जाए पर जनरल में टिकट आना चाहिए अब की बार तो। अच्छा जी प्रधान सही कह रहे हैं। मैंने भाई कल नखलाओ गया था मैंने वहाँ पे मीटिंग हुई थी मेरी जी। तो मैंने बोला था कि आपके प्रधानी में क्या है पैसे से मानता है ठीक है ना तो अपने हथियार से मानेगा अपने आदमी भेजेंगे काम हो जाएगा। हाँ भाई बहरे तू बता तेरी क्या परेशानी है भाई? प्रधान जी बीड़ी बीड़ी सी कब को पिला रहे हो पिछली प्रधान में बीड़ी पी है बड़ा कुट रही है। हाँ बहरे बहरे बैठ जा बीड़ी सीड़ी करता रहा तो प्रधानी की बात चल रही है सारी। अच्छा पता नहीं मुझे अब पता कहाँ बहरे तुझे पता चलेगी जब तो प्रधानी की बात पर गौर नहीं देता कहीं भी। यार तुम क्यों लड़ रहे हो सब खर्चा हो जाएगा अभी जितना बस्ता जमा हुए हैं टिकट आने दो सब खर्चा होगा दिक्कत मत लो तुम। ठीक है जी प्रधान जी आप कहते हो वसूली भाई भी प्रधानी में उठ रहे कही है वे तो पहले ही वसूली करते रहे ब्याज स्याज की अब कहते हो मार देंगे आधी जनता को गांव की। प्रधान जी घबरा बंदा दवा पड़ी है 20-25 बीघे जमीन सब बेच देंगे प्रधान जी हमें जीतेंगे सारे गांव में चर्चा हमारा ऐसे कहते प्रधान जी हार जाएंगे सारे गांव में जाने दो दाने हमारे भी हैं। ग्राम सेवक भाई आप कितने लगा रखा है आपको यहाँ पे प्रधान जी वसीम ने और आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे आपके ग्राम पंचायत में? प्रधान जी को। प्रधान जी को सपोर्ट करना चाहेंगे क्या वजह है आपको क्या वजह है आप प्रधान जी को वोट देना चाह रहे हैं? प्रधान जी को जी इन्हें नौकरी पर रख रखे जी इन्होंने। अच्छा जी अच्छा आपका तो रुझान ऐसे ही लगते है कि वर्षिम प्रधान जी जीत पाएंगे सुल्तानपुर गांव में तो। हाँ ठीक है जी चलो आओ नमस्कार रवन सादाब के साथ न्यूज 24 पे आज दर्शकों मिलते हैं वो ग्राम सुल्तानपुर के ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में पूछते हैं आपके गाँव में प्रधान पद के उम्मीदवार कौन हो रहे हैं? किस खूबी पे देना चाहेंगे आप वर्षिम प्रधान को वोट? वे गांव में बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं और गांव में काम करवा रहे हैं। अच्छा जी चलो और कहीं और चलते हैं आप आगे पूछते हैं चल के कहाँ घर वाले कहाँ चले गए हेलो आपका गांव प्रधान आपका गांव में प्रधानी चल रही है आप किसको वोट सपोर्ट करना चाहेंगे? जो को जो काम के लिए बेहतर करेगा उसको वोट देनी चाहिए जैसे कि वसीम प्रधान। किस खूबी पे वसीम प्रधान को वोट देना चाहेंगे आप? सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं वसीम प्रधान गांव में सफाई चल रही हो गांव में सरकारी स्कूल और मैगी जोन खोलेंगे वो अपनी तरफ से। और आपके गांव में लॉकडाउन में वसीम प्रधान ने क्या सहायता करी थी लोगों की? ये बहुत बड़े आदमी है वसीम भाई उन्होंने हमारे गाँव में जो आते आटा वाटा था गरीबों की सहायता की थी पैसे दे और जो भी सुविधा उनसे बनती थी वो अपने जरिए करते थे। और तो आपके गांव में रुझान किसके दिखाई दे रहे हैं हमसे? अभी वसीम प्रधान ही जीतेगा भाई साहब उन्होंने बहुत सेवा करी गांव की तहसील। आ जाओ भाई आपके ग्राम पंचायत में कौन जीतेगा इस बार? वसीम प्रधान। किस वजह से जिताई जाएंगे आप वसीम प्रधान को? हमारे वसीम प्रधान ने कोई कमी नहीं छोड़ी गाँव में अल्लाह के तुमसे बहुत दिया हमारे प्रधान ने वसीम प्रधान ने गरीबों को रजाई दी गद्दे दिए होड़नों को रजाई दी बताओ क्या ना दिया हमारे प्रधान। लॉकडाउन में क्या फायदा हुआ आपको? आटा बाटा रोटी दी सबके घर में सब्जी बाटी पैसे दिए और क्या तो आपके इस बार आपको वसीम प्रधान जीत पाएंगे गाँव में क्या 100% जीतेंगे हमारे वसीम प्रधान। और किसी तरह के पास चलते हैं चलो आपके गांव सुल्तानपुर में कौन जीत पाएगा आपके इस बार? वसीम प्रधान। वसीम प्रधान को वोट करेंगे आप या वसूली भाई को? वसीम भाई को। आपका आपकी बार पक्का प्रधान वसीम भाई बनेंगे? जी। ठीक है चलो और नए दर्शक के पास चलते हैं चलते हैं ग्राम सुल्तानपुर में प्रधान पद के चुनाव होने जा रहे हैं आप इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे? भाई हम देते हैं वसीम भाई को वोट। क्या वजह रहेगी आप वसीम प्रधान
और आपका गांव में आपका रुझान मसीम भाई का ज्यादा लगता है क्या? मसीम भाई का आप ये झाड़ू किस किस वजह से मारते हैं? किसने नफरत है आपको? नौकरी पे नफरत है या किसी को मार रहे हैं? मसीम भाई ने रखा है हमें नौकरी पे। अब पूरे गांव में सफाई हो रही है, जब प्रधानमंत्री आएंगे तब जाते हैं पूरे की सफाई। और ये दो झाड़ू कैसे ले रखे हैं? इसमें लोहे की पलेट कैसे लगा रखी है आपने? एक से तार सफा करते हैं, एक से तार सफा करते हैं। और प्रधान जी से क्या करना है? नहीं झाड़ू ले सकते हो ना? प्रधान जी से कहेंगे वो दिन प्रधान जी से मैं आज मंगवाएंगे साफ झाड़ू। नहीं ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, धन्यवाद। और नए इधर तक के पास चलते हैं, चलो हमारी चुनाव चिन्ह लो, जिलो प्रधान क्यों लो वहाँ डाल दियो, वहाँ डाल के उसमें ब्लैक बॉक्स रखा होगा उसमें डाल दियो। चलो जी चलो, ठीक है ठीक है। हमारा नाम नदीम, जाओ प्रधान। तुम्हारा नाम फरहान फसूली, हाँ जाओ। तुम्हारा नाम अनस, जाओ मैं ले जाता हूँ, लो ले जाओ। और उसमें डालते रहो बॉक्स में, अंदर बॉक्स रखो, लो बॉक्स में डालियो, अंदर बॉक्स में। तुम्हारा नाम इमरान खान, सनो कलवा। तुम्हारा नाम शाहरुख खान, सनो सम्मू। तुम्हारा नाम सावेज खान, सनो फान। बसुरी भाई जिंदाबाद। जो भी करना डिस्टर्ब नहीं करना का, जहाँ भी करना अंदर बाहर। बसुरी प्रधान जिंदाबाद। रुक लो, तुम्हारा नाम शहजाद, जाओ जाओ। तुम्हारा वसूली भाई प्रधान का लग रहा है कि हमें जैसा हम जीतते हैं आज ही बताना। देखो प्रधान के तरह लोग बाग खड़े हैं, आओ देखते हैं, गिनती हो रही है अंदर, चलते हैं देखते हैं गिनती। देखो यहाँ पे लोग बाग हो, पांच सौ 53 वोटों से ये लोगों देखो आगे वसीम प्रधान जी हेलीकॉप्टर में, ये प्रधान जी आगे। हेलो, हाँ हाँ कोई बात नहीं, अलखन जी देखो अच्छी बात नहीं। सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लग रहा है, इन भाइयों ने भी जीता है बहुत भारी वोटों से। आप इस गांव का विकास कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, इस गांव में ऐसी ऐसी चीज आवाएंगे हम जो किसी ने नहीं आवाई होगी, जता पाएंगे हम जो है इस गांव में एक से एक अच्छा काम करके दिखाएंगे। ठीक है प्रधान जी, आपके स्वागत में गांव के कुछ लोग बैठे हैं, आप मिलिए इनसे।
प्रधान जी ने जीत के जश्न में खुशी मना रहे हैं जी बेशक। ए प्रधान जी क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया हाल है। तुम तो इलेक्शन में लड़े थे, यहाँ क्या कर रहे हो? बैठो बताता हूँ। प्रधानी की एक बात सुन ले, गांव वालों के चक्कर में मैंने अपनी खड्डों की 50 बीघा जमीन बेच दी और गांव वालों को पिलाई रंग, सारी वोट होगी हमारी खत्म। अब तो इस छप्पर से मैं बैठे हम देख। ऐसे तो मैं किसी को फ्री में एडवाइस देता नहीं हूँ, पर तुम कह रहे हो तो इतने वो कर रहे हो रिक्वेस्ट, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। प्रधानी मत लड़ो, तू देगा। चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करे और कमेंट्स करे और भाई कोई भी इस वीडियो को सीरियस न ले, ये हंसाने के लिए कॉमेडी वीडियो बनाई है आपके लिए। बहुत बढ़िया बनाई है भाई।